शहजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने। पूछो ना ये कैसी रात होगी आज हर सू चारों तरफ होगी अपनी बात। अब स्टेज भी सजगा और सीटियां भी बज गई क्योंकि मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं पबजी का लेटेस्ट अपडेट 0.8.0। Assalamualaikum friends, my name is Sharan and you guys watching official channel। तो friend आज इस में आप लोग के लिए जो game लेके आओ इसका नाम है Player Unknown Battleground और आप लोग इसे PUBG भी कह सकते हो। तो friend आज की इस में आप लोग इस game के बारे में completely बताऊंगा और friends एक और बात मैं आप लोगों को कहूँ, Sanhok map का update अभी तक Play Store पे officially launch नहीं हो चुका है लेकिन फिर भी friends मैं आप लोगों को Sanhok map का update दे रहा हूँ वो भी English version में। लेकिन friends एक और बात मैं आप लोगों को बताऊँ, जब भी officially Play Store पे launch हो जाएगा तो उसकी भी लिंक मैं आप लोग इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अभी मैं आप लोग को ये बीटा वर्जन में दे रहा हूँ लेकिन जब भी ये ऑफिशियली प्ले स्टोर पे लॉन्च हो जाता है तो मैं आप लोग को उसी की लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो फ्रेंड मैं एम करता हूँ कि आप लोगों ने इस गेम की गेम प्ले तो काफी बार इंजॉय की होगी हमारे चैनल में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ऑफिशियल चैनल में। फ्रेंड फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने गेम को हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करनी है, उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने अपने जेड आर कार को ओपन करना है। फ्रेंड्स अगर आप लोगों के साथ जेड आर कार नहीं है तो आप लोग इसी भी हमारे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो। फ्रेंड्स ये नॉन पेड ऐप आप लोग इसे प्ले स्टोर से भी इजिली डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने अपने जेड आर कार को ओपन करना है और जेड आर कार में फ्रेंड्स आप लोग उसी फोल्डर को ओपन करना है जिस फोल्डर में आप लोगों ने गेम के डाटा और गेम के एपीके को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड मैंने गेम के फोल्डर में गेम के डाटा और गेम के एपीके को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से गेम के फोल्डर को ओपन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे गेम के एपीके और गेम के आरआर फाइल को तो देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड यहाँ गेम के फर्स्ट आरआर फाइल पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों ने एस्ट्रेक केयर पे क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ एस्ट्रेक केयर पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड आज के हमारे गेम का पासवर्ड होगा बीटा स्पेस 2018। तो फ्रेंड आज की हमारी आरआर फाइल का यही पासवर्ड है बीटा स्पेस 2018। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से डन कर देते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग यहाँ भी से एक बार देख लो बीटा स्पेस 2018। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से ओके कर देते हैं। तो फ्रेंड जब तक कि हमारी आरआर फाइल यहाँ पे स्ट्रक केयर हो रही तब तक मैं वीडियो को प्यूज में लगा देता हूँ। तो फ्रेंड जब आप लोगों की आरआर फाइल भी यहाँ पे स्ट्रक केयर हो जाए तो उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने नीचे आने, नीचे आने के बाद फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इस तरह से 2 7-zip फाइल बन जाएगी। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने पहले 7-zip फाइल पे क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ स्ट्रक केयर पे क्लिक करें। तो चलिए फ्रेंड यहाँ स्ट्रक केयर पे क्लिक कर देते हैं। तो फ्रेंड जब तक हमारी 7-zip फाइल भी यहाँ पे स्ट्रक केयर हो रही तब तक मैं वीडियो को फ्यूज में लगा देता हूँ। तो फ्रेंड जब आप लोगों की 7-zip फाइल भी यहाँ पे स्ट्रक केयर हो जाए तो उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों के लिए इस तरह से एक फोल्डर बन जाए com.tensor.igce आप लोगों के लिए इस तरह से एक फोल्डर बन जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने इस फोल्डर पे यहाँ पे होल्ड करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ इस पे होल्ड कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने सिंपली यहाँ कार्ड पे क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ कार्ड पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने अपने इंटरनल स्टोरेज पे जाना है। तो चलिए फ्रेंड अपने इंटरनल स्टोरेज की तरफ चलते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों ने यहाँ से अपने एंड्रॉयड फोल्डर ओपन करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से अपने एंड्रॉयड फोल्डर ओपन करना है। और फ्रेंड्स यहाँ हम लोगों ने ओबी में नहीं जाना है, यहाँ हम लोगों ने अपनी डाटा फोल्डर को यहाँ से ओपन करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से अपनी डाटा फोल्डर ओपन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स सिंपली हम लोगों ने डाटा फोल्डर में अपने इस फोल्डर को पेस्ट करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से पेस्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड जब तक कि हमारी फोल्डर या डाटा फोल्डर में फेस्ट हो रही तब तक मैं वीडियो को प्यूज में लगा देता हूँ। तो फ्रेंड जब आप लोग यहाँ पे फोल्डर फेस्ट हो जाती है तो फ्रेंड उसके बाद आप लोगों ने उसी फोल्डर में जाने जिस फोल्डर में आप लोगों ने गेम के एपीके को भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो फ्रेंड मैंने गेम के फोल्डर में गेम के एपीके को भी डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से गेम के फोल्डर को ओपन करते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग यहाँ पे गेम के एपीके को देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से ओपन करते हैं। उसके बाद सिंपली फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ ओपन पे क्लिक करना है। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से ओपन करते हैं। और सिंपली फ्रेंड्स हम लोगों ने यहाँ से गेम की एपीके को इंस्टॉल करनी है। तो फ्रेंड जब आप लोग गेम की फाइल को सही तरह से एक्सट्रैक्ट कर लो और गेम का पासवर्ड भी आप लोग सही तरह से दे दो और उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग के लिए जो फोल्डर बन जाते हैं उसी भी आप लोग डाटा फोल्डर में पेस्ट कर लो
और उसके बाद फ्रेंड लास्ट में आप लोग गेम के एपीके को भी इंस्टॉल कर लो। तो फ्रेंड उसके बाद आप लोग की स्क्रीन पे इस तरह से गेम का आइकन आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड यहाँ से गेम को ओपन करते हैं। तो जितनी मोहब्बत मैं आप लोगों से कहता हूँ उतनी मोहब्बत से हमारा गेम शुरू हो गया फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे इसे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को हमारी आज की वीडियो पसंद है तो प्लीज काइंडली इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट। और फ्रेंड जैसे मैं आप लोग को हर वीडियो में कहता हूँ जो भी आप लोग को प्रॉब्लम आते हैं तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं आप लोगों के लिए जरूर सॉल्व करके दूंगा। और फ्रेंड मैं आप लोगों को गेम भी लास्ट तक प्ले करके तो कहूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से तब तक के लिए इजाजत चाहूंगा। दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, बाय बाय।